सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दरवेश खान चैनल बैंड है तुझ मैनचेस्टर यूके से। जी, फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज हुआ जाता है काउंटडाउन, जी इसका बेचैनी से इंतजार था कतर दोहा में। और हम अपने चैनल के थ्रू इस पूरे फुटबॉल वर्ल्ड कप की कवरेज करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एक एक चीज की इन्फॉर्मेशन देंगे। पूरा हमने सेटअप किया अपने बेडरूम के अंदर स्पेशली इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से, सारा हमने सारा पीछे पीछे लगाया है, सारी चीजें कौन कौन सी टीमें खेल रही, कौन कौन से ग्रुप्स में, सारी इन्फॉर्मेशन कतर के बारे में सब आपको देंगे। भाई रोनाल्डो या मेसी कौन, मेरे हिसाब से दोनों ही फारे गए, करते कुछ भी नहीं दोनों वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए, बस अपने अपने खेल के। ओपनिंग का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, वैसे बुकलेट में पढ़ ही रहता दोनों के भाई कौन है, देखें थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे आपको आने वाले वीडियोस के अंदर। तो इस चीज को लेके काफी, क्योंकि ये बहुत अरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज है, इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज और भी जुड़ी हुई है फुटबॉल के साथ, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाता है हर चीज को, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब इंडस्ट्री है फुटबॉल की, आपको पता ही है। तो उसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें भी हो गई है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है बहुत सारी, कतर की बिडिंग के हवाले से क्यों दिया गया, तो उस पर बहुत सारा ऑब्जेक्शन भी हो रहा है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। फिर दूसरा ये कि बहुत सारे इसमें ग्रुप्स हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे, कौन से ग्रुप में कौन कौन सी टीमें करनी है, कौन सी उनकी राइवलरी है। खास तौर पर कल इंग्लैंड और ईरान का मैच है, वो लोग उसमें अमरीका भी है उसी ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप में, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। कल उनका मैच भी है ईरान और इंग्लैंड का कल मंडे को, तो वो भी एक चीज चल रही है। तो देखें अभी ये बहुत सारे पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स भी चल रही है बदकिस्मती से, लेकिन बस अभी यही है किस तरह से क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी आपने ये चीज सारी देखी थी, और ये चीज फुटबॉल के अंदर बहुत ज्यादा उसी रही। कल जो फीफा के वर्ल्ड कप जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है कि भाई यूरोप ने जो कुछ 3000 साल में किया है दुनिया के साथ, वो यूरोप को अगले 3000 साल तक माफी मांगनी चाहिए पूरी दुनिया से, क्योंकि ह्यूमन राइट के हवाले से कतर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसिज्म हो रही थी कि भाई ये वो फलाना डिमगाना और इस तरह की चीजें। तो इस चीज को लेकर क्योंकि अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, क्योंकि फुटबॉल की तो जिस बारे में बिडिंग हो रही थी उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने 2010 में याद है काफी प्रेडिक्शन किए थे और क्रिटिसाइज किया था कि भाई इस तरह से कतर को दे दिए वो, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि भाई हमारे पास ये बिडिंग आया है उससे ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट होगी, टूरिस्ट आएंगे, उनकी स्टडी इकॉनमी जो है बूस्ट करेगी हर चीज। अब जो 2026 का जो होने जा रहा है वर्ल्ड कप, उससे आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि वो जो है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको तीनों कंट्रीज मुश्तरका मेजबानी करेंगे, उसमें 42 नहीं 48 टीमें होंगी, इससे आप अंदाजा लगा लें कितना बड़ा वर्ल्ड कप हुआ। हो सकता है शायद पाकिस्तानी टीम भी आ जाए, वैसे उसका साथ नजर नहीं आ रहा जो हमारी फुटबॉल की हालत है, तो डायवर्सिटी है नहीं, कोई क्रिकेट के पीछे पड़ा हुआ, थोड़ा डायवर्सिटी लेकर आए हैं तो बहुत सारे गेम्स हमारे इंप्रूव हो सकते हैं। बहरहाल एक अलग टॉपिक है, उसको बाद में कभी इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे। तो अब ये कि हमारी टीम, तो मेरी जो हमेशा फेवरेट टीम रही है वो तो हमेशा अर्जेंटीना और फुटबॉल को और जर्मनी को सपोर्ट करता हूँ, मैं फेवर करता हूँ, क्योंकि वो अग्रेसिव और अटैकिंग गेम खेलते हैं। अब गोरे हमसे पूछते रहते हैं भाई किसको सपोर्ट करो किसको, जब उनको नाम बताता हूँ अर्जेंटीना जर्मनी को बड़ा नाराज होता है, कहते वो तो हमारे दुश्मन नहीं होते, उनको अभी तक मैराडोना का जो हैंड ऑफ गॉड है ना अभी तक नहीं भूला, बहरहाल को बंदा दुनिया से चलेगा मैराडोना। तो बहरहाल ये है कि अब ये बहुत सारी चीजें, चाहे आप सोचो आप अग्री करें या न करें, मेसी और रोनाल्डो के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं या नहीं है जो भी, बहरहाल लेकिन बहरहाल उन्होंने कुछ किया, अगर हिस्ट्री देख लें वर्ल्ड कप में उन्होंने किया कुछ भी नहीं है, वही आईपीएल वाला जो इंडियन क्रिकेट टीम ने किया ना वही उन्होंने यहाँ पे फुटबॉल के अंदर किया। तो बाकी हम सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन देंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें इसमें वर्ल्ड कप में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दरवेश खान बिहाइंड द ट्रुथ।